बात मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक धर्म वापसी की करते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक क्रिसमस के मौके पर धर्म वापसी हुई है। अलग अलग धर्मों के लोगों ने वापस हिंदू धर्म को अपनाया है। मध्य प्रदेश के दमोह में जहां 250 लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाकर धर्म वापसी की है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 120 लोगों ने धर्म वापसी की। बुलंदशहर में वैदिक रीति रिवाज से लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं मध्य प्रदेश और बुलंदशहर की, जहां पर क्रिसमस के मौके पर लोगों ने धर्म वापसी की। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के दमोह की करते हैं। दमोह में क्रिसमस के मौके पर एक साथ 250 लोगों ने ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। इसके लिए बाकायदा हवन पूजन हुआ, शुद्धिकरण करवाया गया और उसके बाद हिंदू धर्म अपनाने के लिए शपथ तक दिलाई गई। इसके बाद पंडितों ने मंत्र पढ़ते हुए सैकड़ों हिंदुओं की घर वापसी कराई। ये तस्वीरें दमोह के मध्य प्रदेश के दमोह की हैं, जहां पर धर्म वापसी हुई। दरअसल काफी साल पहले कई प्रकार के लोभ और लालच के चलते करीब 250 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन अब ये लोग वापस हिंदू धर्म को अपनाना चाहते थे। इसके लिए बागेश्वर धाम आगे आया और लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित कराया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियाँ उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कहते थे आपको संडे में कुछ भी काम हो, आपके घर में कोई मर भी गया हो तो, परंतु उसके पहले आपको प्रार्थना के लिए आना पड़ेगा चर्च में। परंतु हम लोग जैसा कभी गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले थे, तो हम लोग ना जाए तो हम लोग घर आके डांटा किया करते थे और हम लोग बोला करते थे पर्चा बांटो, ये कोई ऐसा है और हिंदू धर्म के बारे में बोला करते थे कुछ ऐसा वैसा। तो हम लोगों ने उनका विरोध किया। पहले बहुत पहले तो लोगों हम लोगों को इतना सहयोग नहीं था किसी का, तो इस कारण हम लोग को डर भी था कि ये लोग इतने पावरफुल हैं, तो हम लोगों को डर लगा था उसके कारण। और उन लोगों ने जो पाँव के इलाज के लिए बोला था, मेरे दोनों पाँव में 24 घंटा दर्द रहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो हमारी दवाई है, कहीं दवाई नहीं मुझे करवाई है। हम लोग का ये हवन हुआ है और हम लोग अपने हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं और जितने सब हम लोग साथ में आए हैं सबका वापसी हुआ है। आज हम लोग खूब खुश हैं कि जैसे हिंदू धर्म में वैसे ही रहेंगे। तो धर्म वापसी सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी धर्म वापसी के कई मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में करीब 120 लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया है। वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के बीच लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया। इस मौके पर खुर्जा से बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह भी मौजूद रही। दरअसल कुछ साल पहले इन लोगों को ईसाई संगठनों ने धर्म परिवर्तन करवाया था, इन्हें लालच और प्रलोभन दिया था, लेकिन अब ये लोग वापस हिंदू धर्म में के रीति रिवाज को अपना लिया है। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का भी पालन किया गया। हिंदू धर्म में वापसी कर सभी लोगों पर फूलों की बारिश की गई और माला पहनाकर इनका स्वागत किया गया। लोगों ने जीवन भर हिंदू धर्म में विश्वास रखने की शपथ भी ली। धर्म वापसी को लेकर खुर्जा के विधायक और आयोजकों के अलावा उनका बयान भी सुनाते हैं, जिन लोगों ने घर वापसी की है। माता जी खत्म हो गई थी, वो लोग बोल रहे थे कि हमारे धर्म में कुछ ऐसा करो जैसे होता है इनके धर्म में। मेरी माँ की इच्छा यही कि जो हिंदू रिवाज में जैसे हम पहले थे, मेरा अंतिम संस्कार ऐसे ही हो। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियाँ उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अच्छा, मैं अपनी माता पहले आपने अंतिम संस्कार माता जी का हिंदू रीति रिवाज से किया। जी हाँ, अब मैं हिंदू ही हूँ। 20 परिवारों ने हमारे यहाँ धर्म वापसी की है, जिसमें से 100 से 125 लोग हैं परिवारों को पूरे। पहले कौन से धर्म में ताल्लुक रखते थे? पहले अलग अलग क्रिश्चियन थे, अलग अलग धर्मों में थे, लेकिन अब वो सब सनातनी धर्म को अपना कर बहुत खुशी से आए हैं। कुछ पीढ़ी पहले, कुछ वर्ष पहले सनातन धर्म को त्याग करके किसी और पूजा पद्धति में सम्मिलित हो गए थे। वो क्रिश्चियनिटी हो सकती है, इस्लामिक हो सकती है, किसी भी दूसरे धर्म में चले गए थे, लेकिन आज वो पुनः अपने घर में, अपने सनातन संस्कार में, अपने परिवार में, अपने सनातन हिंदू समाज में वापस लौट करके आए हैं। खुशी खुशी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में यहाँ उनका स्वागत का अनुष्ठान किया गया है। पूरी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सभी के एफिडेविट तैयार करके, सबका सहमति पत्र तैयार करके विधिवत औपचारिक प्रक्रिया संपन्न कराकर यह वैदिक अनुष्ठान कराया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।